नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएमई विद्या चैनल पर। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। समय हो चला है अब कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का, यानी मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स। इंटरेस्टिंग मतलब मैथ, राइट। जो सब्जेक्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, टाइटल हाउ मच कैन यू कैरी। दरअसल ये वजन से संबंधित बात हो रही है, वेट से संबंधित बात हो रही है, और कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्या कुछ पढ़ेंगे, एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 111 265। एक और नंबर है 1800 112 199। मेल भी कर सकते हैं cit.kishoremanch@gmail.com पर। और उसके अलावा लाइव इंटरेक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं तो NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी जाकर आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ भी अपने प्रश्न आप साझा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अब आपका मैं तारुफ करा दूँ, मुखातिब करा दूँ आज के अपने एक्सपर्ट से। प्लीज़ वेलकम मिस रुचि गोयल, कंसल्टेंट DEE NCERT दिल्ली। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। तो आज हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। चैप्टर का नाम है हाउ मच कैन यू कैरी। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हम यहाँ बात करेंगे वेट के एस्टिमेशन की, कि आप कितना भार उठा सकते हो, कितना भार आपके लिए बहुत ज़्यादा है या कितना भार आप आसानी से उठा सकते हो। हाउ मच कैन यू कैरी जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, सेकेंड क्लास के बच्चे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। तो कहानी मैं कुछ चित्रों के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जानवर हैं। एक जंगल था, एक जंगल में थे बहुत सारे जानवर। वहाँ पे हाथी था, चूहा था, कुत्ता था, बंदर था, घोड़ा था, बहुत सारे जानवर थे। वहाँ पर थे, उन्हें दिखे पेड़ के दो तने, एक थोड़ा मोटा एक थोड़ा पतला, एक के ऊपर एक रखा हुआ। कुत्ते ने ये तने देखे तो वो एकदम से तने पे जाके बैठ गया। वो जैसे ही तने पे बैठा तो तने का वो सिरा जमीन पे जाकर गिरा। ये सब बाकी जानवरों ने देखा, तो उन्हें लगा कि ये तो एक मज़ेदार खेल बन सकता है। तो उसके बाद वहाँ पर आया घोड़ा, घोड़े ने कहा मैं भी झूलूंगा। घोड़ा तने के दूसरे किनारे पे जाकर बैठ गया। जैसे ही घोड़ा बैठा वैसे ही कुत्ता हवा में उड़ा और उड़ते उड़ते कहीं दूर जाके गिर गया। उसके बाद आया बंदर, बंदर ने कुत्ते के पास जाके बोला अरे तुम दुखी मत हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो वो दोनों वापस तने के पास गए। अब की बार एक किनारे पे बैठा बंदर, दूसरे किनारे पे बैठा कुत्ता। अब जब बंदर बैठा तो जिस तरफ बंदर था वो वाला तना नीचे जमीन पे लग गया और कुत्ता ऊपर हवा में। तो ये देखकर बाकी सभी जानवरों ने कहा अरे बंदर देखने में तो इतना छोटा सा पतला सा लगता है, लेकिन ये तो कुत्ते से भी भारी है। इसके बाद आया चूहा, चूहे ने कहा मैं भी खेलूंगा, मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने। तो एक किनारे पे बैठा कुत्ता, एक किनारे पे बैठा चूहा। इस बार कुत्ते वाला जो किनारा था वो नीचे जमीन पे लगा और चूहे वाला ऊपर हो गया। तो ये देखकर सभी जानवरों ने कहा अरे देखो चूहा तो कुत्ते से कितना हल्का है। उसके बाद इन सबको देखते देखते हाथी आया। हाथी ने कहा तुम सब अकेले अकेले खेल रहे हो, मैं भी खेलूंगा, मुझे भी खेलना है। तो हाथी को देखकर कुत्ते ने कहा अरे तुम तो इतने बड़े हो, इतने भारी हो, तुम इस झूले पे बैठोगे तो झूला ही टूट जाएगा। तो हाथी ने थोड़ा सोचा, फिर बोला बात तो तुम ठीक कहते हो। तो उसने कुत्ते को और भेड़िए को बुलाया और कहा तुम दोनों देखने में बराबर से लगते हो, चलो तुम दोनों झूलो और हम सब यहाँ पर तुम्हारा खेल देख के आनंद लेंगे। तो कुत्ता और भेड़िया तने के एक एक किनारे पे बैठ गए और मजे से झूला झूलने लगे और बाकी सारे जानवर उन्हें देख के बहुत खुश हुए। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। मैं तो ये सोच रहा था कि आपने एक तरफ हाथी को बुला लिया और बाकी तरफ इन सबको बिठा दिया, सब उड़ के कहाँ गिरेंगे। एनीवेज चलिए तो मजाक की बात ही कह रहे हैं, एनीवेज यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यस, यहाँ पर कुछ एक चीज़ तो समझ में आई, आपने दो तनों को रखा, एक पतला एक बड़ा एक छोटा, बाकी सबको समानांतर एक के बाद एक बैठाने की कोशिश भी करी। कुछ लोग उछल भी गए हवा में, कुछ लोग वहाँ बैठे भी रहे, माहौल थोड़ा बन गया है, और भी समझने की कोशिश करते हैं जी। तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब बंदर बैठा था तब बोला कि बंदर कुत्ते से भारी है, जब चूहा बैठा तब बोला कि चूहा कुत्ते से हल्का है। तो ये हल्का और भारी शब्द हमने काफी बार सुन लिए, पर ये दोनों शब्द होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है। जैसे कि
अगर हम हाथी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाथी तो बड़ा भारी होता है, चूहा तो बड़ा हल्का होता है, तो ये हल्का और भारी है क्या? ये हल्का और भारी जानने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। पीछे हमने बोला कुत्ते की, हमने यहाँ कहानी देखी, जानवर थे, तो जो कुत्ता था हमारे पास, वो कुत्ता हल्का है या भारी, आप बताइए। कुत्ता हल्का, देखिए जो चूहे हैं उनकी उसमें तो ये भारी है अगर उनसे तुलना की जाए, और वैसे पूछें हाथी की तुलना में तो यस हल्का है। जी, तो कुत्ता जो है वो ना ही हल्का है ना ही भारी, और देखा जाए तो वो हल्का भी है और भारी भी। यस, हल्का और भारी अपने आप में उनका कुछ मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो कंपैरेटिव टर्म्स हैं। यहाँ पर कुत्ते की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं बंदर के वेट के साथ तो कुत्ता हल्का है, लेकिन वहीं अगर हम कंपैरिजन करते हैं कुत्ते का चूहे के साथ तो कुत्ता भारी है। चूहा और कुत्ता है तो कुत्ता भारी हो गया, बंदर और कुत्ता है तो कुत्ता हल्का हो गया। तो हम किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव टर्म्स हैं ये दोनों, उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली हम हल्का या भारी टर्म्स जो हैं उनको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एक और छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ये है मेरे पास एक ग्लू स्टिक, ये है मेरे पास एक शॉर्पनर, इनमें से कौन सा हल्का कौन सा भारी, आप गेस कीजिए। शॉर्पनर हल्का है, वो ग्लू स्टिक भारी है। ये आपको कैसे पता चला? आकार भी लंबा है तो देख सकते हैं, और छोटी सी प्यारी सी जो है। तो ये एक चीज तो आपने देखकर बताया कि ये देखने में बड़ी है इसलिए भारी होगी। मैंने आकार के तौर पर देखा कि ये एक लंबा है और एक छोटा सा है, तो शायद इसमें जो लंबा है उसका वजन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं, ये भी तो बड़ा है, क्या ये इससे भारी है? ये इससे भारी नहीं होगा, आई थिंक जो ऊन है उसमें वेट कम नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? वेट नजर कैसे आएगा? नजर तो नहीं आएगा, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं एक मापन की उस पे की। तो वो अनुमान हमने कैसे लगाया, हम अपने हाथ में उठाकर देखते हैं वजन का अनुमान, ये जो है मुझे हल्का लग रहा है और शॉर्पनर मुझे भारी लग रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, हम सिर्फ शेप या साइज के अकॉर्डिंगली नहीं कह सकते कि कोई चीज हल्की है या भारी। ऊन दिखने में बड़ी लगती है लेकिन वैसे हल्की है शॉर्पनर से। फेवी स्टिक जो यहाँ पर हमारी है ये देखने में भी बड़ी है और है भी भारी, लेकिन यहाँ पर जैसे फेवी स्टिक की अगर मैं नहीं, चलो मैं यहाँ पर ऊन की बात करती हूँ, ऊन शॉर्पनर से हल्की हो गई, तो शॉर्पनर भारी ऊन हल्की, लेकिन यहाँ पर मैं फेवी स्टिक रख दूँ तो अब शॉर्पनर हो गया हल्का और ग्लू स्टिक हो गई भारी। तो शॉर्पनर जब ऊन के साथ था तो भारी, फेविस्टिक के साथ था तो हल्का। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पे कि ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं, तो छोटा और भारी डिपेंड करता है कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। अब जैसा कि बच्चों ने अपने आसपास काफ़ी चीज़ें देखी हैं, बहुत एक्सपीरियंस उन्हें मिल जाता है, उन्होंने बॉल देखी, बैट देखा, काफ़ी चीज़ें अपने आसपास देखी हैं, तो उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक छोटी सी एक्टिविटी है। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, आपको उन्हें देखकर बताना है कि कौन सी चीज़ हल्की है कौन सी चीज़ भारी है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे है एक क्रिकेट बॉल और एक फुटबॉल, कौन सी भारी होगी? क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल भारी होगी, उसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फुटबॉल को आप उठाएंगे उसमें अगर हवा भर दें तो फिर फुटबॉल नहीं, पर हैवी फुटबॉल भी आती है, फुटबॉल का वजन ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी हम तुलना करके देख सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेड और एक साइड टेबल, ये तो बड़ा इजी है, ऑफ कोर्स बेड होना चाहिए। जी, तो बेड हमारे पास भारी होगा, साइड टेबल हल्की होगी। बैग और एक पेंसिल किट, बैग। जी, तो इसमें बैग भारी होगा, पेंसिल किट हल्की होगी। बुक और एक शीट ऑफ पेपर, तो यहाँ बुक भारी हो जाएगी। जी, यहाँ पर हो गई बुक भारी। ये तो सबसे बहुत इजी एग्जांपल्स। अब आता है एक मुश्किल एग्जांपल, एक चेरी है और एक ग्रेप है, तो इन दोनों में से कौन सा हल्का और कौन सा भारी? मुझे बताना। जी, आई थिंक पंगा ले लिया मैंने आपसे शुरुआत में, खैर वो चीज़ तो पोशीदा हो गई। वेल, आई थिंक ग्रेप ज़्यादा भारी, नहीं नहीं चेरी ज़्यादा भारी लग रही है। जी, तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं इन्हें हम कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑब्जर्वेबल डिफरेंस। ऑब्जर्वेबल डिफरेंस क्या होता है कि हम दो चीज़ों को सिर्फ देख कर या उठा कर, सिर्फ एस्टिमेशन से ही हम 99%
सही जवाब दे सकते हैं कि ये चीज हल्की होगी या भारी। जैसे कि चेरी हो गई और एक ऑरेंज हो गया, चेरी इतनी छोटी सी होती है, हल्की होती है, ऑरेंज उठाने में भी भारी होता है और बड़ा भी है, तो वो हम एस्टिमेशन से ही सिर्फ हाथ में उठाकर ही बता सकते हैं, सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं कि ऑरेंज भारी होगा और चेरी हल्की होगी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जहां पर आता है नॉन ऑब्जर्वेबल डिफरेंस, जिनको हम सिर्फ देखकर या सिर्फ अपने हाथों में उठाकर बता नहीं पाएंगे कि कौन सा हल्का है कौन सा भारी। अब ऑरेंज और एप्पल है, तो हो सकता है आपको ऑरेंज भारी लगे, हो सकता है मुझे एप्पल भारी लगे। तो ये ऑब्जर्वेबल नॉन ऑब्जर्वेबल डिफरेंस जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है मेरा एस्टिमेशन आपसे अच्छा हो सकता है आपका एस्टिमेशन उतना अच्छा ना हो, हो सकता है आपके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली आपको कुछ अलग रिजल्ट्स मिले, मेरे अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली मुझे कुछ अलग रिजल्ट्स मिले। वैसे ही यहाँ पर जो हमारा था चेरी और ग्रेप, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि इनके बीच में हम डिफरेंस सिर्फ देखकर या इन्हें हाथों में उठाकर नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नीड क्रिएट होती है एक ऐसी मशीन की, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, जो मुझे ये बताए कि कौन सी चीज हल्की है और कौन सी चीज भारी है बिना किसी डिस्क्रिपेंसी के। उस मशीन को मैं यूज करूं तो भी सेम रिजल्ट आए, उस मशीन को आप यूज करें तो भी सेम रिजल्ट आए, कोई भी यूज करे तो सेम रिजल्ट आए। उस मशीन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक वेइंग बैलेंस या मेजरिंग स्केल। तो अपने आसपास हमने बहुत तरीके के वेइंग बैलेंसेस देखे होंगे, जैसे कि बच्चों को मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आपने अपने घर में या बाजार में अपने आसपास कितने तरह के वेइंग बैलेंसेस देखे हैं, आप जाकर एक बारी देखिएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं जो वेइंग बैलेंस है इस पर खड़े होकर हम अपना वेट मेजर करते हैं। जो राइट साइड में आप देख रहे हैं इस तरीके का वेइंग बैलेंस आपने हो सकता है सब्जी वाले के पास देखा हो, या एक पुराने जमाने में आइसक्रीम वाला हुआ करता था जो आइसक्रीम मेजर करके देता था, उसके पास भी आपको इस तरीके का वेइंग बैलेंस दिखेगा। जो नीचे वाला वेइंग बैलेंस आप देख रहे हैं ये भी आपने सब्जी वालों के पास देखा होगा। ऐसे ही यहाँ पर कुछ, ये जो लेफ्ट में और नीचे आप देख रहे हैं वेइंग बैलेंस, ये बहुत छोटी चीजों को मेजर करने के लिए होता है। अगर आपकी मम्मी घर पे मसालों को वजन करती हैं तो वो कुछ इसी तरीके की वेइंग बैलेंस पे वजन करती होंगी। और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये तो मेरा फेवरेट खेल है, ये आपने भी जरूर खेला होगा, ये है सीसो। सीसो आपने जरूर खेला होगा। आज हम इसी तरीके के वेट की बात करेंगे, ये जो वेइंग बैलेंस है सीसो टाइप का, इसकी बात करेंगे अब हम। ये वेइंग बैलेंस जो है इसमें दो पलड़े हैं, दो साइड्स हैं। जो साइड नीचे होती है वो वाली साइड हैवी हो जाती है, जो साइड ऊपर रहती है हवा में वो साइड लाइट हो जाती है। जैसे कि हमने कहानी में भी देखा था कि जो पेड़ का तना था उस पे कुत्ता बैठा और बंदर, जब बंदर बैठा पेड़ का तना नीचे हो गया और दूसरी साइड जहाँ कुत्ता था वो तना ऊपर हो गया वो वाली साइड। तो जो साइड नीचे हुई वो साइड भारी और जो साइड ऊपर हुई वो साइड हल्की। तो यहाँ पर इसी वेइंग बैलेंस के साथ हम कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको वेइंग बैलेंस के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा वेइंग बैलेंस है, जो हमारा सी सॉ है, वो किस साइड बेंड होगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक साइड पर कुत्ता है, एक साइड पर है रैबिट, आप बताइए कि कौन सी साइड बेंड होगा सीसो। आई थिंक जहाँ रैबिट बैठा हुआ है वो बेंड होना चाहिए। जहाँ रैबिट बैठा है वो हल्का है या भारी? हल्का है, हल्का है। वो हल्का है तो अच्छा बेंड नीचे जाना थी, जहाँ डॉग होगा तो वो वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कुत्ते वाली साइड भारी है तो वो नीचे जाएगी, रैबिट वाली साइड हल्की है तो वो ऊपर जाएगी। अब हमारे पास है एक साइड पे मटका और एक साइड पे ग्लास, अब कहाँ पे बेंड होगा ये? मटका खाली है भरा हुआ है, चाहे खाली हो चाहे भरा हुआ हो, मटके का वेट ज्यादा है तो मटके की तरफ से बेंड होना चाहिए। जी, तो मटके वाली साइड भारी है तो वो नीचे हो जाएगी, ग्लास वाली साइड हल्की है तो वो ऊपर हो जाएगी। अब हमारे पास है बड़ा सा तरबूज और एक छोटा सा सेब, अब कहाँ जाएगा? तरबूज की तरफ ही झुकेगा। जी, तो तरबूज भारी है तो तरबूज वाली साइड नीचे, और दो लोग कैच करने के लिए चाहिए उसको। नहीं, हम धीरे धीरे उसे नीचे भेजेंगे ताकि वो उछल के ना जाए। तो सेब हल्का है तो सेब वाली साइड ऊपर। अब है हमारे पास एक बंदर और एक चूहा, अब क्या होगा? बंदर का वेट ज्यादा है
बंदर की तरफ झुकेगा तो बंदर जाएगा नीचे, बंदर वाली साइड नीचे, और चूहा हल्का है तो चूहे वाली साइड ऊपर। अब है हमारे पास, ये एक्टिविटी तो हो गई। इसी तरीके की हम और भी एक्टिविटीज अपने क्लासरूम में, अपने घर पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? एक ऐसा छोटा सा सीसॉ आप अपने घर पे बना सकते हो। अगर सीसॉ नहीं बना सकते हो तो आप दूसरे टाइप का वेइंग बैलेंस, जो कि मैंने दिखाया था सब्जी वाले के पास होता है, जो सब्जी वाला ऐसे लेके खड़ा होता है, वैसा वेइंग बैलेंस आप घर पे बना सकते हो। और उसमें दोनों साइडों पे काफी सारी चीजें रख के आप चीजों का वेट कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी साइड हल्की है, कौन सी साइड भारी। जो साइड भारी होगी वो नीचे जाएगी, जो साइड हल्की होगी वो ऊपर आएगी। तो इस तरीके से हम चीजों को आपस में, उनका वेट आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कमाल की बात होगी। यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट ने बताई कि आप इन चीज़ों को ऐसे ऐसे रख के ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ ऊपर नीचे करके देखने का नहीं है, प्रश्न है कि वजन किसका कितना ज़्यादा है, वजन किसका ज़्यादा है, किसका हल्का है। कहानी भी हमने सुनी, कहानी के माध्यम से भी हमने काफ़ी हद तक वेट को मापने की बात को समझा और जाना भी। लाइट वेट, हैवी वेट, इन सब चीज़ को भी देखा। फिर से एक प्रश्न आपकी तरफ मैं रखता हूँ कि जो चीज़ें मैं बच्चों के लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हम तो खैर चलिए बड़े हैं तो समझ में आ गया कि कुछ चीज़ें हैं जो हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। और इस बात को समझने के लिए एक बेहतर जो एक सोच है वो हम कैसे डेवलप करें? वेट का मेजरमेंट जी, सबसे पहला एस्टिमेशन तो होता है कि ऑब्जर्व, जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसे तो हम कभी किसी चीज़ से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपको सिर्फ ऊन दिखा दूं और सिर्फ फेविस्टिक दिखा दूं तो आप सिर्फ देखकर तो कभी नहीं बता पाएंगे कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है। हो सकता है कुछ बच्चों ने फेविस्टिक कभी देखी ना, उन्हें पता ही ना हो ये होता क्या है। तो जब तक आप चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपने हाथ में लीजिए, फील करके देखिए, जैसे कि ये बहुत सॉलिड है, ये उतनी सॉलिड नहीं है, इसमें हवा भरी है, तो उस चीज़ से भी हमें फ़र्क पता चलेगा। मैं अगर अपने हाथ में उठा के देखूँ तो मुझे फील हो रही है कि ये काफ़ी भारी है, ये हल्की है। तो वो फील जो आपकी है, जो आप यहाँ पर अपने हाथों से उनको अपने हाथ में लेकर जो वेट का डिफरेंस आप फील कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको कोई किताब, कोई एक्टिविटी और कुछ नहीं सिखा पाएगा, जो आप खुद करके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, जाकर देखिए। अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है या आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, तो आप जाकर उस चीज़ के साथ खेलिए, कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि मैं इसके साथ, अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करूं तो क्या ये खिंचती है, अगर मैं इसको मोड़ने की कोशिश करूं तो क्या ये मुड़ती है, अगर मैं इसकी शेप चेंज करने की कोशिश करूं तो नहीं होगी, पर इसकी हो पाएगी क्योंकि इसके बीच में हवा है, और क्योंकि हवा है उसकी वजह से भी इसका वेट कम है। तो वो चीज़ें जो आप एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, और खुद चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से, मतलब एक्सपीरियंसेस से जो आप सीखेंगे, वो चीज़ और किसी चीज़ से आप नहीं सीख पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका तो यही है। निश्चित रूप से मुशाहदा जितना बढ़िया, ऑब्जर्वेशन हो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना वजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, बच्चे एक बहुत बड़ा अच्छा एक्टिविटी करते हैं, एक्टिंग आदत में भी उनकी शुमार है, आपने भी देखा होगा, आप उनका टीचर हैं, आपने अच्छे से महसूस किया होगा। बुक्स जितनी एक बैग में रखी हैं उनको हमें पढ़ना ही है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ने तो वजन कम करके रखते थे, चलिए हो गया वजन कम, ऐसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। जी नहीं, किताबें ज़रूरी हैं, और किताबों से भी पढ़ना ज़रूरी है, एक्सपीरियंसेस से पढ़ना और ज़रूरी है। किताबों को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते एकदम, अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उससे हटा नहीं सकते। जो लोग किताबें पढ़ते हैं एक्चुअली वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बन जाते हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज को कभी मना नहीं करना चाहिए, जहाँ से जितनी नॉलेज मिलती है ले लीजिए। जी, इसी के साथ मैं एक और छोटी सी एक्टिविटी यहाँ करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कुछ एनिमल्स, और आपको मुझे बताना है कोई भी एक ऐसी चीज़ का एग्जाम्पल जो मैक्सिमम वेट वो एनिमल कैरी कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि एक चूहा है, तो चूहा मैक्सिमम एक चीज़ का पीस या एक पनीर का पीस उठा पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे यहाँ पे पहला जो यहाँ पर एनिमल है हमारे पास वो है एक हाथी। तो आप बताइए कि ये हाथी कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जो वेट या हाथी उठा पाए। देखिए, हाथी के लिए तो आई थिंक कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत शक्तिशाली इनको माना जाता है। अक्सर हमने देखा है प्राय कि लोग बाग जो इनके जो
मालिक होते हैं इनको यूज़ करते हैं, और वजन उठाने के मामले में वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा भी ले जाते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उसके ऊपर रखी जा सकती हैं, मसलन आप ईंटें बहुत सारी हैं वो भी लेके जा सकते हैं, आपको व्यवस्थित उनकी पीठ पर रखनी पड़ेगी, बहुत सारे कपड़े जो बड़े रहते हैं गट्ठर वो भी आप रख के ले जा सकते हैं, आई थिंक काफ़ी चीज़ें लेके जा सकते हैं। तो हाथी के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है एक तना, पेड़ का तना। नेक्स्ट एनिमल हमारे पास है एक मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या उठा पाएगी? मधुमक्खी वेल मधुमक्खी यार ये उठा सकते हैं बिल्कुल अपने वजन के हिसाब से, जो उनको ठीक लगे वो लेके जाएं, ज़्यादा वजन अपने ऊपर ना रखें। फूलों की दुनिया में रहते हैं, फूल की पंखड़ी ले जा सकते हैं, पूरा पुष्प लेके जा सकते हैं। जी, तो मधुमक्खी के लिए एक छोटा सा शुगर क्यूब उठा सकते हैं। ओके, घोड़ा, इनके लिए भी कुछ असंभव नहीं है, लेकिन बहुत फुर्तीले माने जाते हैं जनाब ये, दौड़ बहुत अच्छा सकते हैं, चेतनता बहुत अच्छी रहती है, पावर बहुत अच्छा है, इनके ऊपर भी आप कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें ऐसी घरेलू से जो होती है वो भी ले जा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी है तो उसके ऊपर आप भी काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं वो भी रखी जा सकती हैं, मसलन ईंटें हो गया, आप कबाड़ की सारी चीज़ें इकट्ठा करके पोटली बांध के रख सकते हैं, बट लेकिन आपको वैसे बांधनी पड़ेगी कि वो नीचे ना गिरें, लेकिन यस ये भी काफ़ी वजन कैरी कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो घोड़े के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, एक बच्चा या एक इंसान, एक अडल्ट भी, तो घोड़ा इंसानों को उठा सकता है। थोड़ा घोड़े की ताकत के हिसाब से कम नहीं लगा, एक इंसान को बिठा दिया, उनको दो भी बैठ सकते हैं राइडिंग। हम घोड़े की सवारी करते हैं। हाँ, तो एक चलिए ठीक है। तो एक एग्जांपल ही है। ओके। मतलब हम ये एक्टिविटी करने का मेन मुद्दा यही है कि हम अपने आसपास की चीजों को देखें, उन्हें ऑब्जर्व करें, और वेट की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो समझें कि जैसे घोड़ा है वो एक इंसान को उठा सकता है, घोड़े के अंदर इतनी ताकत है, या एक मधुमक्खी है तो वो शायद एक फूल उठाने से भी दब जाए, मतलब एक फूल उठाना भी उसके लिए काफी बड़ी बात हो जाए। तो इसी तरीके के हम एक्सपीरियंसेस बच्चे को देना चाह रहे हैं। चलिए जल्दी से एक ये नेक्स्ट हमारे पास है कुत्ता, कुत्ते के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इनके ऊपर वजन तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये खुद स्वयं अपनी चीजें अपने जुगाड़ सिस्टम से निपटा लेते हैं, जो जो भी इनको लेके जानी है, पीछे इनके क्या बांधा जा सकता है, उछल कूद ये बहुत करते हैं, मुंह में कुछ चीजें दबा कर ले जा सकते हैं, राइट? तो कुत्ते के लिए हड्डी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या चीज चुनी है आपने, बहुत अच्छी, नाइस, मुंह में दबा कर, आई थिंक बात वही आ गई। जी, अब ये मच्छर, ये दिखने में तो छोटे हैं लेकिन बहुतों को ये अस्पताल में पहुंचा देते हैं, डेंगू नामक खतरनाक बीमारी इजाद होती है इनके, इससे ऐसे तो ये रक्त ही चूसते हैं, और क्या लेके जा सकते हैं? नमक का दाना। हाँ, वेरी नाइस। जी, चींटी, ये तो काफी चीजें ले जाते हैं, खाने पीने की जो छोटी छोटी बस्ती हैं वो कैरी करके ले जाते हैं, चीनी का छोटा सा दाना। जी जी, तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हम बच्चे को देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं जो हमारी ऑडियंस में बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास देख के बताइए कि आप कितनी भारी चीजें उठा सकते हैं। जो भी चीजें आप उठा पा रहे हैं वो आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर्स से डिस्कस करिए कि वो उनका कितना वजन होगा, कितना वेट आप उठा सकते हैं आसानी से, और अपने आसपास देखिए कि कौन आपसे भारी है, कौन आपसे हल्का है, इस तरीके के कंपैरिजन अपने आसपास करके जरूर देखिए। कितना आसान हो जाएगा अगर आप करके देखते हैं, तो फिर चलिए आज से, अब से, अभी से स्टार्ट करिए, आप घर में देखिए कितनी वजन की चीजें आपसे ज्यादा है कम है, खुद ही आपको पता चल जाएगा। समय हमारे पास इतना ही था और हमने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखी, तरह तरह के उदाहरण से सीखी, कुछ एनिमल्स देखे, उनकी सक्षमता के हिसाब से भी कितना वजन ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता, उस बात को भी हमने समझा, और सबसे अच्छी बात ये रही कि आप खुद उन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करें जो आपको सटीक एक अनुमान लगा कर दे, तो आपको भी उससे बेहतर समझ विकसित होगी। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मिस रुचि गोयल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आई थिंक आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, ज्ञान की ये मुसलसल यात्रा अभी भी जारी है, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए पीएम विद्या चैनल के साथ। नमस्कार।